नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरा पट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। दिल्ली पुलिस का फर्जी उपनिरीक्षक बनकर बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए की ठगी करने वाले शातिर अपराधी को जिले के जहानागंज थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 28 जुलाई 2024 को वादी आकाश कुमार पुत्र अरविंद कुमार ग्राम बरहतिर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कि विपक्षी प्रद्युम्न कुमार पुत्र श्यामलाल राम ग्राम करुत थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, जो अपने आप को दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर तथा काफी पहुंच वाला बताया, जिसने वर्दी पहने अपनी फोटो भी दिखाया, जिसके द्वारा पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर गाँव के कई लोगों से लगभग 9 लाख रुपए ले लिया तथा अरुण कुमार को पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन के पद पर नौकरी करने के लिए कूटरचित फर्जी वाइनिंग लेटर दिया गया तथा पुनः पैसा लेने के लिए वादी मुकदमा के घर आकर बकाया धनराशि के लिए दबाव बना रहा था तथा बार बार धमकी दे रहा था। शक होने पर कि यह कोई उपनिरीक्षक नहीं है, इसने द्वारा फर्जी उपनिरीक्षक बनकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसे वादी मुकदमा व अन्य द्वारा पकड़कर थाने लाया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 392/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 171 व 506 पंजीकृत कर अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि पहले मैं दिल्ली में अपने पिता के पास रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। आजकल लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे द्वारा पैसे की लालच में लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा कमाने के बारे में सोचा तथा गांव आकर आकाश कुमार निवासी बरहतीर जगदीशपुर के घर पर आकर अपनी फर्जी पहुंच बताकर पुलिस विभाग में तथा पोस्ट ऑफिस विभाग में नौकरी दिलाने की बात बताया। मैंने अपने आप को दिल्ली पुलिस का उपनिरीक्षक बताया था तथा विश्वास दिलाने के लिए मैंने अपने पहने हुए फर्जी उपनिरीक्षक पद के वर्दी की फोटो को दिखाया था। मैं किसी दिल्ली पुलिस में नहीं नियुक्त हूं। मैं यूपी में लोगों को अपने बातों में फंसाने के लिए यूपी पुलिस का भी बैच लगा लेता हूं। आकाश ने मुझे दिल्ली पुलिस का दरोगा समझकर पुलिस में नौकरी दिलाने के लिए कहा था और आकाश ने अपने दोस्तों सूरज भारती पुत्र दिनेश भारती को पुलिस विभाग में तथा अरुण कुमार पुत्र सुरेश राम निवासीगण ग्राम बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलवाने के लिए बताया। मेरे द्वारा तीनों लोगों के द्वारा खाते में पैसा भेजा गया। आकाश, सूरज व अरुण तीनों से मिलकर लगभग 9 लाख रुपए ले लिए थे तथा अरुण कुमार को पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन के पद पर नौकरी करने के लिए अपने लैपटॉप से यूट्यूब के माध्यम से देखकर कूटरचित फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया था। मेरा लैपटॉप मेरे घर के पास है। मेरे द्वारा नियुक्ति पत्र देते समय ज्वाइनिंग टाइम बीत जाने के कारण नया ज्वाइनिंग डेट फिर से बनाने के लिए और पैसा मांगा गया था और बाकी पैसे लेने के लिए कल आकाश के घर आया था कि इन लोगों को मेरे ऊपर शक होने पर मुझ पकड़कर थाने लेकर आए थे। पुलिस ने इसके पास से एक वर्दी दिल्ली पुलिस में टोपी व जूता, एक लैपटॉप, एक अदद चार पहिया गाड़ी होंडा मोबिलो बरामद किया है। थाना जहानागंज में करौत ग्राम का एक शातिर बदमाश पकड़ा गया है। यह लोगों के साथ ठगी करता था। उनको ये बताता था कि मैं दिल्ली पुलिस में दरोगे पद पर हूँ और इसके उपरांत ये लोगों से पैसे ठग लिया करता था। इसने तीन लोगों के साथ ठगी करी है, जिसमें दो को इसने ये बताया कि मैं आपकी नौकरी पुलिस विभाग में लगवा दूंगा, जिससे इन्हें 3-3 लाख रुपये लिए, और तीसरे आदमी को ये बताया कि मैं आपको पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलवा दूंगा पोस्टमैन की, तो उससे भी इसने
3 लाख रुपये टोटल इसने 9 लाख रुपये 3 लोगों से लिए हैं नौकरी दिलाने के नाम पर। इसके पास से वर्दी बरामद हुई है, इससे 2 वाहन बरामद हुए, एक सफारी है और एक होंडा की गाड़ी है, और इससे लैपटॉप बरामद हुआ है। इसके अन्य साथियों की पहचान की जा रही जो इसका सहयोग करते थे और जिन लोगों के साथ ठगी इसने की है उनके विषय में भी जानकारी की जा रही है। शीघ्र ही हम लोग साक्ष्यों के आधार पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे इनके विरुद्ध। सर, जिन अभियुक्त आपने चुंगुल में लेता था वो किस तरह से इसके संपर्क में आते थे या फिर कैसे इनको? ये अपने परिचितों से संपर्क करता था, तो वही हम जानकारी कर रहे हैं कि इसके साथ में और कौन कौन सहयोग करते थे जो इसके धोखाधड़ी में इसकी मदद करते थे। ये लोगों को बताता था कि मैं पुलिस में दरोगा हूँ, और ये कहकर लोगों को ये विश्वास दिलाता था कि ये लोगों को नौकरी प्रभाव ये प्रभावशाली भी है, ये कहकर लोगों को विश्वास दिलाता था और लोगों से पैसा ठग लिया करता था। सर, अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में क्या समझ में आया है कि और भी इसके लिंक है किसी से? ये इसके और अभी इसमें विवेचना की जा रही है, हो सकता है इसने और लोगों के साथ धोखाधड़ी की हो, तो हम लोग और लोगों के विषय में भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और इसके साथियों के विषय में जानकारी कर रहे हैं, तो इसमें अभी बढ़ेंगे इसमें अभी। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के शाह धजूरा की पुलिया के समीप भीटी में सड़क किनारे गड्ढे में गाजीपुर में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर राजेश पासवान 42 वर्ष गंभीर हालत में बीती शाम को मिली। पुलिस ने उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों को किसी प्रकार से जानकारी हुई तो आनन फानन में रेफर कर बैठौली बाईपास पर नर्सिंग होम में ले गए, जहां पर कुछ देर बाद ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक राजेश पासवान गाजीपुर में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। आजमगढ़ के सिधारी थाना के मुसेपुर में लालता यादव के मकान में किराए पर रहते थे, जबकि उनके रिश्ते में साला संजय पासवान शहर कोतवाली के शारदा टॉकीज के पीछे मकान में रहते थे। रविवार को सुबह 5:30 बजे संजय अपने बहनोई राजेश के घर आए और दोनों कार से कहीं जाने के लिए निकले। बताया जा रहा कि मेहनगढ़ जाने के लिए निकले थे। शाम तक कुछ पता नहीं चलने पर खोजबीन शुरू हुई। परिजन खोजबीन कर रहे थे तभी पता चला कि गड्ढे में गंभीर रूप हालत में घायल मिले हैं, जिसके बाद राहगीर से फोटो देखकर पहचान की और उसके बाद थाने पर जानकारी ली। परिजन आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचे, जहां से हायर सेंटर ले जाया गया। उधर घटना में मौत के बाद पुलिस ने संजय को आज हिरासत में ले लिया। बताया गया कि आरोपी प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद से सहायक अध्यापक है। फिलहाल मृतक की पत्नी रेखा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। सुनते हैं परिजन ने क्या जानकारी दी। कितनी उम्र है? 45 साल हो गई। 45। उनके पिताजी का नाम? हरकनाथ पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं? बीरम। थाना? जाना। हादसा कहाँ हुआ? ये रायसा थाना हुआ। ये गाँव पड़ता है भीटी। भीटी, भीटी, ये शाहपुलिया के बगल में है। शाहपुलिया के बगल में भीटी गांव है। गांव में हुआ कि रोड पे हुआ? रोड पे फेंके थे मार करके। हत्या है? कैसे, गोली मार के? नहीं, ये तोड़े हैं, ये मारे हैं, ये फाड़ दिए हैं, खूब मारा था। पेट मतलब धारदार हथियार से? नहीं। अच्छा, टांग पे भी हमला हुआ है? क्या कोई वो है? नहीं, वो एनआईसी मैनेजर थे, मुख मार के बगल गड्ढे में थे। गड्ढे में पड़ा हुआ? कब सुबह मिले हैं? हम लोग नहीं देखे, कल सुबह के निकले थे, शाम के वक्त पुलिस लेके गई इलाहाबाद में, हमको पता चला तुम लोग यहाँ आया जब। अरे, सदर अस्पताल में उस समय क्या घायल लेके आए थे क्या पुलिस वाले? मारे के घायल कौन जानता है। नहीं नहीं, जैसे लावारिस में लेके अगर मृत हालत में है तो पोस्टमार्टम जमा कर दिया जाता है, और घायल है तो यहाँ जैसे सांस वो आती रहेगी, हो सकता है तो यहाँ सदर अस्पताल में भर्ती थे, फिर यहाँ से हम लोग आए थे लेके गए वहाँ ग्लोबल में। ग्लोबल में मतलब सांस चल रही थी, चल रही थी ऑक्सीजन से चल रही थी, और वहाँ ग्लोबल में मौत हुई रात में 0% होता है, 0% है, उम्मीद नहीं है। तो क्या कारण है, कौन हो सकता है, क्या हो सकता है? अब उनके घर वाले बताएंगे, आ रहे हैं। अच्छा, हम रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं, जानते हो, बता रहे हैं। मतलब उसमें नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है? क्या है,
अच्छा अच्छा, इसमें जैसे आप बता रहे थे वो कहीं कार्यरत थे, कब आए थे? गाजीपुर में हर शनिवार घर आते हैं, शुक्रवार को दो दिन चलता है ना, संचय छुट्टी रहती है उन लोगों को, संचय छुट्टी होती है, शाम को आते हैं गाजीपुर से। ये है गाजीपुर जनपद से। और ये सोमवार कल रविवार को सुबह से 6 बजे। और कहाँ निकले थे? मेरे घर साइड लोग गए थे, कहीं किसी के अकेले गए थे और कोई था साथ में? बताया मोटरसाइकिल से, चार चक्के से। चार चक्का कहाँ है? घर पे था, मिली लेकर घर पहुँचा दी। लवारी साले पे मिली थी? नहीं, चार चक्का लड़का लिया था, मिल गई घर के, लड़का था मिल गई। आजमगढ़ के रोडवेज क्षेत्र में लगने वाले जाम को समाप्त करने की कवायद शुरू हो चुकी है। परिवहन विभाग, PWD और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से बंधे पर निरीक्षण किया गया, ताकि बंधे की तरफ एक और गेट लगाया जाए और जाम की समस्या से मुक्ति दिलाई जाए। बताते चले कि रोडवेज क्षेत्र से आवागमन करने वाले लोगों को जाम की समस्या से हमेशा दोचार होना पड़ता है। वहीं अगल बगल के लोगों को गाड़ियों द्वारा बजाए जा रहे हॉर्न के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मंडलायुक्त ने अधिकारियों को इस समस्या से निजात दिलाने का निर्देश दिया था, जिसके क्रम में सोमवार को परिवहन विभाग, PWD और यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने रोडवेज के पीछे बंधे का निरीक्षण किया गया, जिसमें यह तय हुआ कि बंधे की तरफ एक और गेट लगाया जाए। साथ ही बवाली मोड़ से रोडवेज तक के मार्ग को दोनों तरफ 2-2 फीट चौड़ा किया जाए, ताकि जब इधर से गाड़ियां आए तो उन्हें आवागमन में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इसमें एक समस्या यह आ रही है कि जो जमीन है वह बाढ़ खंड की है, तब यह निर्णय लिया गया कि बाढ़ खंड से उक्त जमीन को मांगा जाए। साथ ही शासन को भी पत्र भेजकर उक्त जमीन को रोडवेज को देने का आग्रह किया जाए, जिससे रोडवेज क्षेत्र में लगने वाली जाम की समस्या से निजात दिलाई जाए। ARTO प्रवर्तन डॉक्टर RN चौधरी ने ABC चैनल से बताया कि मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मंडलायुक्त ने 2 बार रोडवेज को जाम से मुक्ति दिलाने का निर्देश दिया था, जिसके क्रम में आज हमने निरीक्षण किया है। PWD के अधिकारी को भी मौके पर बुलाया गया है, ताकि वह इस मार्ग का चौड़ीकरण कर दे। रोडवेज के पीछे की इस सड़क पर जो बराबर जाम लगा रहता है, इस संबंध में मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति में कमिश्नर साहब ने 2 बार निर्देश दिया है कि PWD अगर इस सड़क को थोड़ा चौड़ी कर दें, थोड़ा पटरी को सही कर दें, तो जाम की समस्या दूर हो जाएगी। तो अभी तक ये हो नहीं पा रहा था, तो इसीलिए इसका स्थलीय निरीक्षण हम लोग करने आए हैं। हमने PWD को भी यहाँ पे बुलाया, रोडवेज के भी अधिकारी हैं और ट्रैफिक के भी अधिकारी हैं, तो हम लोग यही यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको कैसे चौड़ी करके इस जाम की समस्या को ख़त्म किया जाए। ये मेन रोड से और यहाँ तक, जहाँ तक ये सड़क जा रही है, ये थोड़ा सा 1-2 फुट चौड़ा हो जाएगा तो ये जाम की समस्या ख़त्म हो जाएगी। परिवहन निगम की बसें आराम से अंदर जाने लगेंगी, तो ये रोड का ये समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने सोमवार को स्थानीय मंडलीय जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 22 चिकित्सक एवं कर्मचारी अनुपस्थित मिले। लगभग 1.5 घंटे तक किए गए औचक निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने रजिस्ट्रेशन काउंटर, नेत्र विभाग, फिजिशियन कक्ष, हृदय रोग कक्ष, अल्ट्रासाउंड, ENT वार्ड, जनरल सर्जन, ट्रामा सेंटर आदि के विधिवत निरीक्षण के साथ ही स्टाफ के उपस्थिति रजिस्टर को भी चेक किया। चिकित्साधिकारियों के उपस्थिति रजिस्टर में कुल 6 चिकित्सक डॉक्टर SC कन्नौजिया, डॉक्टर संजय गोंड, डॉक्टर चंद्रहास कुमार, डॉक्टर पूनम कुमारी, डॉक्टर काशिफ असरार एवं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह अनुपस्थित मिले। पैरा मेडिकल की उपस्थिति पंजिका की जाँच में भी कुल 4 कर्मचारी अनुपस्थित थे, जिसमें RN गिरी, राकेश कुमार, उमेश चौरसिया, ऋचा सिंह शामिल हैं। इसी प्रकार ब्लड बैंक सेंटर में 6 कर्मचारी डॉली पांडे, शंकर दुबे, पुष्पा पांडे, चंदन उपाध्याय, रीना, सुमन एवं धर्मराज अनुपस्थित थे। मंडलायुक्त श्री चौहान द्वारा इसी क्रम में ई हॉस्पिटल एवं GSS पैरा मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति का भी निरीक्षण किया गया,
जिसमें ई हॉस्पिटल में 3 कर्मचारी अजय प्रकाश सिंह, वीर नारायण सिंह एवं ब्रजेश चौहान अनुपस्थित थे, जबकि जीएसएस पैरा मेडिकल में 2 कर्मचारी हीरालाल व पंकज कुमार राजभर तथा वाहन चालकों में 1 वाहन चालक इस यादव अनुपस्थित थे। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने बड़ी संख्या में स्टाफ की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुपस्थित चिकित्सकों एवं कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आमोद कुमार को निर्देशित किया। उन्होंने सीएमएस द्वारा उपस्थिति पंजिका को नियमित रूप से चेक नहीं किए जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की तथा निर्देश दिया कि नियमित रूप से उपस्थिति पंजिका को चेक किया जाए तथा समय से स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि यदि डॉक्टर्स की शिफ्ट वाइज ड्यूटी का चार्ट तैयार किया गया है तो उसे प्रदर्शित होना चाहिए ताकि आमजन को भी उसकी जानकारी हो सके। इसके साथ ही उपस्थिति पंजिका में भी डॉक्टर्स की ड्यूटी का विवरण अंकित कराया जाए। उन्होंने ईएनटी वार्ड, ट्रामा सेंटर आदि वार्डों में भर्ती मरीजों से भी दवाओं और भोजन की उपलब्धता के संबंध में स्वयं पूछताछ की, जिसमें किसी भी मरीज द्वारा सुविधाओं के अभाव की शिकायत नहीं की गई। मंडलायुक्त श्री चौहान ने निरीक्षण के दौरान कतिपय स्थानों पर पुराना सामान रखा हुआ पाया, जिस पर उन्होंने तत्काल उसकी नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही करने तथा अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ओपीडी में मरीजों को उनके नंबर के अनुसार ही देखा जाए, किसी भी दशा में कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मरीजों की सुविधा के दृष्टिगत इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर नंबर प्रदर्शित किए जाने का भी निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के री एग्जाम के लिए डेट्स की घोषणा की जा चुकी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती री एग्जाम का आयोजन राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को करवाया जाएगा। परीक्षा का आयोजन प्रतिदिन 2 शिफ्ट में होगा। पिछली बार यह परीक्षा फरवरी में हुई थी, लेकिन एसटीएफ और खुफिया एजेंसी की निगरानी के बाद भी पेपर लीक हुआ था और परीक्षा रद्द कर दी गई थी। एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि इस बार परीक्षा के लिए कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक पाली में 5,112 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। सघन तलाशी, जैमर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से जो कम्युनिकेशन हम लोगों को प्राप्त हुआ है और जो आपके माध्यम से भी शेयर किया गया है, उसके हिसाब से दिनांक 23, 24, 25 तथा 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में प्रातः 10 से 12 और 2 से 5 ये पेपर आयोजित किए जा रहे हैं। जनपद आजमगढ़ में कुल 11 केंद्र बनाए गए हैं और इसमें 5 दिनों में 10 पालियों में प्रत्येक पाली में 5112 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे और इसमें पेपर रखने से लेकर के और परीक्षा लेने तक की सारी व्यवस्थाएँ हम लोगों द्वारा की जा रही हैं। इसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। जो 11 केंद्र बनेंगे वहाँ परीक्षार्थियों की तलाशी के लिए, सघन तलाशी के लिए व्यवस्था की जाएगी और एजेंसियों के माध्यम से जो निर्धारित मानक हैं परीक्षा कराने के, उसमें जैमर की स्थापना, उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। सावन के दूसरे सोमवार पर भी जनपद के विभिन्न शिव मंदिरों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। चारों तरफ उत्सव का माहौल दिखा, हर कोई शिव के रंग में रंगा नजर आया। नगर के भवरनाथ मंदिर में अहले सुबह से ही भक्तों की कतार लग गई। यहां पूरे दिन मंदिरों में जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहा। शहर के समीप स्थित भंवरनाथ मंदिर पर कतारबद्ध होकर भोलेनाथ के भक्तों ने पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर दर्शन पूजन किया।
मंदिर प्रांगण में चल रहे श्रावणी श्रृंगार महोत्सव में भी भक्तों का उत्साह देखते ही बना। मंदिर प्रांगण में आयोजित शिव भजन का कार्यक्रम आस्था के इस पर्व को और भी शिवमय करता दिखाई दिया। भवरनाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर भी श्रद्धालुओं में श्रद्धा का ज्वार कहीं से कमतर नजर नहीं आया। यहां महादेव का जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहा। चौतरफा ओम नमः शिवाय के जयघोष से पूरा माहौल ही शिवमय हो गया। भांग, बेलपत्र, धतूरा की मांग रही। जलाभिषेक के साथ इसका बहुत ही महत्व है। भंवरनाथ मंदिर पर सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस तैनात रही। इधर से गुजरने वाले वाहनों के रूट चेंज रहे। सावन के दूसरे सोमवार पर भी महादेव के भक्तों ने व्रत रखते हुए विधि विधान पूर्वक उनका पूजन अर्चन किया। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि भोलेनाथ की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती है। का दूसरा सोमवार है, यहाँ पर बाबा को जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। बाबा पे सबका आशीर्वाद बना रहता है। बाबा अपने आशीर्वाद से पूरे आजमगढ़ को स्वस्थ रखते हैं। यहाँ लाखों की लाखों संख्या में भीड़ आती है, हर सोमवार को आती है और सावन में हर दिन मंदिर भरा रहता है। मानता यहाँ कि ये है कि जो भी मनोकामनाएं यहाँ पर होती है सब पूर्ण होती हैं, और यहाँ पर पूर्ण होने के बाद लोग आकर कढ़ैया चढ़ाते हैं, बाबा को पूरी हलवा भोग लगाते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं और तरह तरह के पूजा करते हैं। आज भोले बाबा का दिन है। आज के दिन कहा जाता है कि सावन का सोमवार भोले बाबा का दिन होता है। वो एक लोटा जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो वही उनको जल चढ़ाने और उनका दर्शन करने आए थे। मैंने जल, दूध और भांग, बेलपत्र, फूल ये सब चढ़ाया जी। जी आज के दिन व्रत भी रहा जाता है। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। मान्यता ये है कि आज के दिन भोले बाबा को एक जल चढ़ाने से सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दिन का बहुत ही विशेष ही महत्व है, क्योंकि सावन का पर्व हमारे जिंदगी में साल भर में एक ही बार आता है, और इस दिन हम भोले बाबा को बहुत ही मतलब पूजा वूजा करने के लिए आते हैं, मंदिर में आते हैं, पूजा वूजा करते हैं। और आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज सावन का त्यौहार है। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं, और यहाँ पर सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। जो भक्त सच्चे मन से आते हैं यहाँ पर, सच्चे मन से अपनी प्रार्थना मांगते हैं, भगवान बोले जरूर की पूरी करते हैं। भोलेनाथ की महिमा देखिए, अपरंपार भीड़ यहाँ लगी हुई है। भगवान की आस्था में सब लोग लीन है और भगवान के चरणों में आने के लिए कितने व्याकुल है। बस कुछ नहीं, भगवान जगत का कल्याण करे, हमारा कल्याण करे, जगत खुश तो हम खुश। सोमवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में जिला कौशल समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2023-24 के अंतर्गत समस्त प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा एवं वर्ष 2024-25 हेतु DSDP के निर्माण के संबंध में समस्त सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण सेक्टर के संबंध में सुझाव दिया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा रिटेल, ग्रीन जॉब, BFSI, टेलीकॉम, प्लम्बिंग, अपैरल, हैंडीक्राफ्ट, हेल्थ केयर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, एग्रीकल्चर आदि सेक्टर में लक्ष्य
का प्राप्त करने का प्रस्ताव मिशन मुख्यालय भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक का संचालन अरुण कुमार जिला समन्वयक कौशल विकास द्वारा किया गया। बैठक में DPRO, DCNRLM, जिला समाज कल्याण अधिकारी, GMDIC, प्रबंधक कौशल विकास आदि उपस्थित रहे। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और NEET की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशन के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़, सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल निया RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़, अफिलियेटेड टू CBSE। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लासेज नर्सरी टू 9 एंड 11, जहाँ है हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, एडवांस लैब्स, मैग्निफिसेंट लाइब्रेरी, ह्यूज प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस, सेपरेट ग्राउंड फॉर प्री नर्सरी, सेपरेट क्लासेस अवेलेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, म्यूजिक, स्मार्ट क्लासेस एंड मेनी मोर फैसिलिटी अवेलेबल।